Students of class Fossils, today we will discuss important topic, that is properties of a limit of a function at a point. Important properties हम discuss करने जा रहे हैं. आज के इस lecture में हम एक important property discuss करेंगे और इंशाल्लाह next videos में भी हम कुछ और properties discuss करने वाले हैं. इससे पहले कि हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लें, डियर स्टूडेंट्स, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए, और वीडियोस शेयर जरूर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे जो आपके क्लास के हैं वो भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें. नाउ वी विल डिस्कस टुडेज टॉपिक, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट. प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हमारे पास है, द लिमिट ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम्स फंक्शन का लिमिट जो है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स लिमिट ऑफ ए फंक्शन. इसका स्टेटमेंट इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इफ एफेक्ट्स टू हैव ए लिमिट एल, हमारे पास एक गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन का लिमिट एल है एट ए पॉइंट सी, सी पे उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है, एंड दैट लिमिट इज एल, ये हमारे पास गिवन है. एंड के भी एनी कॉन्स्टेंट, और ये भी गिवन हमारे पास है, गिवन कंडीशन के कोई कॉन्स्टेंट है, तब जाके हमें प्रूव क्या करना है, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये रिलेशन जो है इट इज इक्वल टू के टाइम्स एल, एक के टाइम्स एल आना चाहिए विच इज इक्वल टू के टाइम्स लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स. यही वाला लिमिट ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम्स फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स लिमिट ऑफ फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है. नाउ वी विल गिव द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी. प्रूफ वी हैव गिवन हियर, लिमिट ऑफ फंक्शन इज एल एट ए पॉइंट सी, वी यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. वी हैव limit x tends to c f of x is equal to l, ये हमारे पास गिवन है. देन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउसोएवर स्मॉल, एवर स्मॉल, जितना हम चाहे इस एप्सिलॉन को छोटा ले सकते, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव साइन, डेल्टा डिपेंडेंस अपॉन एप्सिलॉन, साइज दैट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और मॉडुलस के हम ऐसे ले लेंगे यहां पे, फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, सी के इज डिलीटेड नेवर. Taking this as first, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लें. Now we take constructing step, और इस constructing step से we get the result. Now we take k times f of x minus k times f, k times f of x minus k times f. It is equal to, we have here k, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, k is here common, it becomes f of x minus f. Now यहां पे मॉडुलस में, यहां पे taking this as a and this as b, we have here मॉडुलस of a b, and we know that by property of modulus of a real number, we have here modulus of AB, it is always equal to modulus of A, A के बदले K है, and B के बदले है f of x minus L, यहां तक ही आता है. Now we have here this is equal to modulus of K into modulus of f of x minus L, but we have here modulus of f of x minus L, that is equal to
लेस देन एप्सिलॉन बाय मॉडुलस के, लेकिन ये कहां पे हो रहा है, फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा। यहां पे हम अब फर्स्ट यूज करने वाले हैं, दिस इज नाउ इक्वालिटी चेंजेस टू सिट्रिक्ट लेस, यहां पे मॉडुलस आपके है अपना, ये वैल्यू हम सब शूट करने वाले हैं इसके बदले, दैट इज एप्सिलॉन ओवर मॉडुलस ऑफ के, लेकिन ये कहां पे होगा, फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, इज डिलीटेड नेबरहुड में बाय फर्स्ट। ये फर्स्ट से हमें मिला, ये के और के कैंसल होगा, वी गेट हियर दिस इंप्लाइज अस, हम यहां पे इंप्लाई हुआ के टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस के टाइम्स एल इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा। व्हाट इज दिस सेम, क्लियरली इट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, फंक्शन इज हियर के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिट हमारे पास के एल आ रहा है, दिस इंप्लाइज अस, यहां से हमें इंप्लाई हो रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी के टाइम्स एफ ऑफ एक्स इट इज ऑलवेज इक्वल टू के टाइम्स एल विच इज इक्वल टू के, हमारे पास एल का वैल्यू हमारे पास है, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। इस तरह इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।